अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद धूर। किचन विद धूर में मैं आज आप लोगों के साथ देसी एक दवाई की वीडियो शेयर करने लगी हूँ, जो कि गर्मी के लिए है। जिनको मेदे जिगर में गर्मी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है और भूख नहीं लगती, ये जो दवाई है ये आपको लू से भी बचाएगी और बहुत सी ऐसी जो कि मेदे से रिलेटेड बीमारियाँ हैं उससे आपको बचा के रखेगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बहुत से शरबत गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में बनते भी हैं और हम बाज़ार से भी लाते हैं ठंडे शरबत के गर्मी की तपश को कम करने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आप बना के घर में रख लें, ठीक है। इसको आप सर्दी गर्मी दोनों मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में भी ऐसा मसला हो जाता है, गर्मी इंसान को हो जाती है क्योंकि ज़्यादा गर्म ग़ज़ाएँ हम खाते हैं सर्दियों में। बहुत सी ऐसी चीज़ें, तिल से बनी हुई अलसी, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, और साथ में ये है कि ऐसी खुराक हम इस्तेमाल करते हैं जिससे गर्मी हो जाती है, सर्दियों में भी भूख नहीं लगती, गर्मियों में भी ऐसा मसला हो जाता है। तो आप ये वाली जो चीज़ है ये आपने बना के घर में रख लें, तो आप इसको बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब, ख़वातीन मर्द हज़रात सब इसको इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डेली बेसिस पर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलते हैं आज की इस आसान सी वीडियो की तरफ। सबसे पहले चीज़ें बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया करें, अपनी बहन की मदद किया करें, जहाँ तक भी आपकी रसाई है मेरे चैनल को आपने शेयर करना है। और जो आप कीमती वक्त इस वीडियो को देते हैं उसके लिए मैं आपको बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मेरे पास 2 टेबल स्पून इलायची है, ठीक है। मिश्री धागे वाली लेनी है, जो धागे वाली चीनी होती है ना, ये आपने लेनी है। ये मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई अगर शुगर पेशेंट है तो वो इसको स्किप भी कर दें, कोई मसला नहीं, वो इसके अंदर ना डालें, ठीक है। और इसके अंदर 4 टेबल स्पून इतने बादाम है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये जो कि संदल है, अगर संदलवुड पाउडर आपके पास है तो 1 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून मलाठी पाउडर है और इसके अंदर 3 टेबल स्पून तुख मलंगा हमने डालनी है। और ये है मेरे पास जो आप इस प्लेट में देख रहे हैं, ये है सत्तू, ठीक है जी। ये सत्तू हमने इसके अंदर डाल देने हैं। ये कितने डालने हैं, ये जो एक ये मेजरिंग कप होते हैं ना, ये 3 कप आपने डालने हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं इनको हमने ग्राइंड नहीं करना, ठीक है। जो कि सत्तू और मलाठी पाउडर तुख मलंगा ये जो है ना, ये ग्राइंड नहीं होंगे, और ग्राइंड हमने सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है, मिश्री बादाम और संदल इलायची, इन 4 चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर मिक्स करना, और किस तरह कितनी खुराक आपने इसकी लेनी है तो ये मैं बताती हूँ आपको बाद में। ये देखें फ्रेंड, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी ग्राइंड हो गई। ग्राइंड होने के बाद हमने इसको के अंदर मिक्स कर देना सत्तुओं के अंदर, ठीक है जी। ग्राइंड हो गया, सब डाल दिया। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर ये मलाठी पाउडर, और 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ये तुख मलंगा। इसको ग्राइंड नहीं आपने करना, ठीक है जी। ये हो गया, और ये आपकी ज़बरदस्ती गर्मी को दूर करने की दवाई जो है ना वो हो गई तैयार, ठीक है। देसी है ये चीज़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गर्मियों में इस्तेमाल करें, सर्दियों में इस्तेमाल करें, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। डेली आप इसको इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून इस तरह भर के आपने सादे पानी के साथ, अगर आपके घर में कोई शरबत वगैरह है तो उसके अंदर इसको हल करके, अगर किसी को होता है कि ऐसे ड्राई खाने से गले को लगने का डर होता है, ठीक है, तो जो शरबत आप घर में बनाते हैं कोई भी शरबत, या सादे पानी के अंदर 1 टेबल स्पून आपने डाल के इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके आप इसको पी लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि चंद दिनों के इस्तेमाल से ही, आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे आपका रंग भी फेयर हो जाएगा, तो डेली इस्तेमाल करने से, तो डेली ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो कि मैंने आप लोगों के साथ चीज़ शेयर की आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई और इसी तरह डिफरेंट सी वीडियो के साथ। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा, कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक आप जार के अंदर इसको डाल के, तो इसको आप बाहर रखिएगा, कहीं ये ख़राब होने का भी कोई डर नहीं, ठीक है जी। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।